अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करके अपने सियासी नुमाइंदों को, मजलिस के जिम्मेदारों को, आके देखो जरा पानी पी के बताओ। मैं पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम लोग कहती है गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ, पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी भी है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही है, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है, दुनिया खामोश है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म सौंपे हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासेरा है, 16 साल से। कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इसराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है, अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उसे 21 लाख में 50% आबादी 18 साल के 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और आप इसराइल एक फास्फोरस की जाति, उसको उसका बम गिरा रहा है, यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। ये जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे हैं कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपने फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था, इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए, और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए, तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से करते कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक